such strong women, such layered women, and women with character that touches the lives of so many women out there. There is a relative. अभिषेक बच्चन से अपना रिश्ता तोड़ने के पीछे एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने बताई बड़ी वजह. उन्होंने इनडायरेक्टली अपनी सास जया बच्चन और अपनी ननद यानी कि श्वेता बच्चन पर बड़ा इल्जाम लगा डाला है. सबसे पहले तो इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा कि पहले तो मैं बच्चन खानदान की बहू होने के नाते अपने बॉलीवुड करियर पर विराम लगा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं शायद अब इस तरीके के सीन अब बड़े पर्दे पर नहीं कर सकती. सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ दो दो फैमिलीज जुड़ी थी. भले ही मेरी फैमिली को इन सब चीज़ों कोई दिक्कत ना हो, लेकिन मैं किसी के खानदान की बहू भी थी. मुझे हर बार यही कहा गया कि तुम इस खानदान की बहू हो और तुम्हें जो भी करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा. इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने उन्हें कई बार फिल्में करने से रोका और फिल्मों के सीन्स भी सिर्फ और सिर्फ जया और बिग बी ही डिसाइड करते थे. अगर फिल्म के सीन अच्छे हुए तब ऐश्वर्या काम करती थी और अगर नहीं हुए तो ऐश्वर्या को उस फिल्म से हाथ धोना पड़ जाता था. हालांकि इसी बीच ऐश्वर्या ने एक और बड़ा खुलासा किया कि आज से पहले मेरी जिंदगी में कोई तीसरा नहीं था, लेकिन अब परिवार वाले इतने ज्यादा हो चुके हैं कि कोई ना कोई हमारी जिंदगी में तीसरा बनकर दरार डाल ही देता है. यहाँ पर ऐश्वर्या ने बिना नाम लिए श्वेता पर इशारा कर डाला और कहा कि जब से श्वेता बच्चन का डिवोर्स हुआ है और वो बच्चन खानदान के साथ अपने बच्चों को लेकर रहने लगी है, तब से ही ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है. आराध्या और ऐश्वर्या बच्चन और अभिषेक बच्चन का ये परिवार टूटता नजर आ रहा है. यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस शॉकिंग स्टेटमेंट के बाद ये कह डाला है कि मुझे ऐसा लगा जैसे सालों तक मेरे जिंदगी के बाग और मैंने किसी के हाथ में दे दी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. मैं अपनी इस जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ. मैं अपने करियर को एक बार फिर से कम बैक करने की कोशिश कर रही हूँ. फिलहाल मैं खुश हूँ और मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हाँ अब मैं अपनी लाइफ को जीऊंगी और अपनी बेटी के साथ ही रहूंगी. इस स्टेटमेंट के बाद से लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हो गए कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डिवोर्स कहीं ना कहीं कन्फर्म माना जा रहा है. फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं.